अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड रैक। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट रेसिपी ऑफ करी पकौड़ा। करी के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं 1 कप योगर्ट, 3 टेबल स्पून बेसन, 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 मीडियम अनियन, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, थोड़े से करी पत्ते 1 मुट्ठी के बराबर, 2 ग्रीन चिलीज़ चाहिए हमें और सॉल्ट हम एज़ पर टेस्ट रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट यहाँ पर, लेकिन मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट यूज़ किया है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब एक पैन में हम ऑयल गरम करेंगे और उस ऑयल में हम ये ब्लेंड हुआ हुआ मिक्सचर ऐड कर देंगे और साथ साथ उसको मिक्स करते जाएंगे ताकि उसमें लम्स ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े। इस मिक्सचर को हम 5 to 6 मिनट्स तक अच्छे से फुल आंच पे भुनाई करेंगे ताकि इसमें जो योगर्ट का एक्स्ट्रा वाटर था वो सब एवेपरेट हो जाए, और फिर जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तो हम इसमें 2 लीटर्स के करीब पानी ऐड करेंगे और साथ साथ उसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये लंपी ना हो जाए, क्योंकि करी को हम 1 से 2 घंटे के करीब पकाएंगे हल्की आंच पे, तो इस वजह से इसके अंदर हमने इतना पानी डाला है कि ये हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे और अच्छी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए। जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता इसको कंटिन्यूसली हमें मिक्स करते रहना है स्पून से, वरना तो ये नीचे लग भी सकती है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा हम इसकी फ्लेम लो करेंगे और कवर करके इसको 1 से 2 घंटे तक लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। पकोड़े बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं उसमें 1 कप बेसन है, 1 कप कटी हुई प्याज है, 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, 1 टीस्पून हमारे पास भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून हमारे पास बेकिंग सोडा है, सॉल्ट हसबे जायका, 1 टीस्पून हमने कोरिएंडर सीड्स ली हैं क्रश्ड, 1/2 टीस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स ली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 से 2 ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा मुट्ठी भर हमने धनिया और पुदीने के पत्ते लिए हैं। यहाँ हमने 1 कप वाटर अपने पास रखा है और 1 कप वाटर को हम पूरा एक साथ नहीं ऐड कर देंगे बेसन में, हम आराम आराम से थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि हमारा बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, क्योंकि हमें ये पतला बिल्कुल नहीं करना है, इसको हमें गाढ़ा रखना है। अपने बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम इसमें वाटर ऐड करते जाएँगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, जितने भी इसमें लम्स हैं वो सारी लम्स हमें ख़त्म करनी है बेसन के अंदर, और फिर हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। मैंने पकोड़ों में जो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है तो इससे जो हमारे पकोड़े हैं वो इंतहाई सॉफ्ट बनेंगे और आप देखेंगे कि हमें पकोड़ों को पानी में भी भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कड़ी में जाते ही इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि इसके अंदर गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी। बस आपको ये ख्याल रखना है कि इनको फ्राइज अच्छे से करना है।
हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल रनी नहीं होना चाहिए, अच्छा गाढ़ा बेसन होना चाहिए। अगर आपको बेसन की क्वांटिटी कम लग रही हो तो आप उसमें थोड़ा बेसन ऐड भी कर सकते हैं। पकौड़े फ्राई करने से पहले आप ऑयल को अच्छे से तेज़ गरम कर लें और जब पकौड़ों का कलर थोड़ा सा हल्का ब्राउन सा होने लगे, गोल्डन ब्राउन सा होने लगे, तो उसके बाद आप उसका फ्लेम मीडियम लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं इसको फ्राई करना, मीडियम लो फ्लेम पे फिर आप उसको टर्न करके फ्राई करेंगे। पकौड़ों को इतनी देर फ्राई करना है कि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं और फिर आप इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। ये ज़बरदस्त से बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पकोड़े रेडी हैं। दूसरी साइड पे हमारी करी भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये हमने 1.5 आवर कुक की है लो फ्लेम पर और इसकी कंसिस्टेंसी अब अच्छी गाढ़ी सी हो गई है। ये चूल्हा बंद करने के बाद अभी मज़ीद थोड़ी गाढ़ी होगी, जब तक ये पकती रहेगी आपको इसकी असल कंसिस्टेंसी नहीं मालूम लगेगी। तो अब हम इसमें डायरेक्टली पकौड़े ऐड कर रहे हैं और हम फ्लेम अब ऑफ कर देंगे। ये पैन में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ बघार वगैरह के लिए। मैं ज़ीरा ऐड करेंगे, रेड बटन चिलीज़ ऐड करेंगे, को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे लो फ्लेम पे और फिर हम इसमें करी लीव्स और अनियंस ऐड करेंगे और फिर उनको भी लो फ्लेम पे ब्राउन करेंगे। और गर्मा गर्म बघार हम अपने करी में ऐड करेंगे और इसे सर्व करेंगे और अपनी रोटी या ताफ्तान जिससे भी आपको पसंद हो। मेरे हस्बैंड को करी चावल बहुत पसंद है, मुझे करी रोटी से बहुत पसंद है। तो जैसे भी आपकी पसंद हो आप उस तरह इसको ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। Thank you for watching.